नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं 31 जनवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है और ये बिहार में आगामी आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया है आप उसे जरूर देखिएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किस बिहारी को टिकुली कला या फिर टिकुली पेंटिंग के लिए या फिर इसका भीष्म पितामह उन्हें कहा जाता है और इसी के लिए हाल ही में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। और पद्मश्री पुरस्कार या फिर पद्म पुरस्कारों की बात हुई तो कंप्लीट जानकारी इस टॉपिक से संबंधित हमने आपको दिया है, आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम होगा। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो टिकुली कला का भीष्म पितामह अशोक कुमार विश्वास को कहा जाता, जिन्हें अभी हाल ही में पद्म भूषण जो कि ए पद्म भूषण नहीं बल्कि पद्मश्री जो कि बिहार ने बल्कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, इससे सम्मानित करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। और बात हमने आपको ये भी बताया था कि कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तमाम जानकारी आपको मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो भी छात्र बीपीएससी मेकर ऐप पर 70वीं वाले कोर्स को परचेज किए हुए हैं आप इस बात का ध्यान रखेंगे 4 फरवरी 2024 को आपके बीपीएससी मेकर ऐप पर प्रैक्टिस पेपर 6 उपलब्ध होगा जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। आप सभी लोग इससे इसे पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेंगे। जो टेस्ट आपका छूट चुका है आपको घबराना नहीं है, वो आप बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी समय की बाउंडिंग नहीं है, आप अनलिमिटेड बार टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो छात्र अभी अभी ज्वाइन करेंगे नया नया तो वो भी सारे मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएंगे और प्रीवियस सेट जो छूट चुका है वो भी दे पाएंगे। तो जो लोग इच्छुक हैं इस कोर्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज है जिसकी कुल संख्या 130 है, 40 आपका फुल लेंथ टेस्ट है और 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट है। इस वाले कोर्स को परचेज करेंगे और साथ ही साथ जो बीपीएससी ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं उनके लिए ये कोर्स है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहीं से आप सभी का लाभ उठा पाएंगे। दोनों कोर्स में करंट अफेयर्स का तमाम मेटेरियल आपको मिलेगा। आप लोग जो बार बार वीडियोज में कमेंट करते हैं कि सर करंट अफेयर्स का पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगा, चाहे कोई भी पीडीएफ हो वो सभी इसी दोनों कोर्स में आपको मिलेंगे। चाहे वो डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ हो जो क्लास यहाँ पर देखते हैं या फिर मंथली पीडीएफ हो ईयरली पीडीएफ हो, वो सभी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें अभी एक ऑफर भी संचालित है। ऑफर की जानकारी एप्लीकेशन पर जब कोर्स परचेज कर रहे होंगे तो बैनर पे एक प्रोमो कोड आपको दिखेगा, प्रोमो कोड अप्लाई कर दीजिएगा, डिस्काउंट मिलेगा और उसके साथ आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसे स्टेच्यू ऑफ विजडम नाम दिया गया है, मतलब दिया जाएगा, एक्चुअली ऐसी घोषणा हुई है, जो कि 243 मीटर ऊंची होगी, जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव पटना के किनारे ये स्थापित की जाएगी। निम्न में से यह प्रतिमा किनकी प्रतिमा होगी, यही एक्चुअली यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा स्टेच्यू ऑफ विजडम जो आधारित होगा ये राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा होगी और ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी 243 मीटर, ये ध्यान रखिएगा। और जो स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है उससे 61 मीटर ये अधिक ऊंची है, ये भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ऐसी घोषणा अभी हाल ही में पटना नगर निगम के द्वारा किया गया है और ये सारी बातें अभी हम आपको विस्तृत तौर पर आपको बताएंगे। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, पहला पॉइंट है कि राजेंद्र प्रसाद की स्टेचू ऑफ विजडम जो कि 243 मीटर ऊंची होगी जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव पटना के किनारे ये स्थापित की जाएगी और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, पिछले वीडियो में किसी लड़के ने कमेंट किया था कि सर आप बकते बहुत हैं, मतलब यहाँ पर बकने शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? तो जहां तक मेरी समझ है कि मैं फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ तो इसलिए उसने कमेंट किया कि सर आप बकते बहुत हैं। एक्चुअली इसके पीछे भी रीजन है, मैं आपको आराम आराम से चीजें बताऊंगा तो वीडियो 1 से 1.5 घंटे का हो जाएगा, जितना कंटेंट इसमें होता है आप सभी को मालूम होगा कि भर भर के कंटेंट होता है, तो इसलिए हमें तेजी तेजी में चीजों को आपको बताना होता है। तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिए और तेजी तेजी में कम समय में अधिक चीजों को पढ़िए, अधिक चीजों को समझिए, ये प्रयास कीजिए और वो चीजें आपके लिए बेहतर होगी, ठीक है। दूसरों के कमेंट में आपको ध्यान नहीं देना, मैं खुद ही जान रहा हूँ, मैं तेजी तेजी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगर आपको लगे कि वीडियो फास्ट फास्ट निकल रही है तो थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर वहां से आगे बढ़ जाइए या फिर वीडियो का स्पीड को कम कर लीजिए, ठीक है, ये सुविधा आपके पास है।
तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखें, यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी 243 मीटर। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट है, इसका फैसला हाल ही में पटना नगर निगम की एक बैठक में लिया गया। और आपको अभी हमने बताया था कि गुजरात में जो नर्मदा नदी किनारे बना हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, ये 182 मीटर ऊंची है, तो इससे भी 61 मीटर ऊंची यह प्रतिमा होगी। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि जो इसकी ऊंचाई है होगी, मतलब स्टेच्यू ऑफ विजडम की, ये होगी 243 मीटर। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की। तो राजेंद्र प्रसाद 1923 में यानी कि 1923 में पटना नगर पालिका के चेयरमैन बने थे, जिसका हाल ही में 100 वर्ष पूरा हुआ है। तो इसी उपलक्ष्य में, इसी को ध्यान रखते हुए इनके सम्मान में पटना नगर निगम ने अभी हाल ही में ये फैसला लिया है। तो इस वाले पॉइंट को आपको ध्यान रखना, ये चीजें एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि राजेंद्र प्रसाद कब पटना नगर पालिका के चेयरमैन बने थे, तो 1923 में। अगला पॉइंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म से संबंधित है कि जन्म उनका बिहार के जीरादई सिवान में हुआ था। सिवान जिले में एक स्थान है जीरादई, यहीं पर 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था। जबकि मृत्यु की बात करें तो 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हुई थी। साथ ही कुछ पॉइंट और भी है कि उनका समाधि स्थल जो कि पटना में है, जिसे कि महाप्रयाण घाट के नाम से जाना जाता है। और फिर राजन प्रसाद को लेकर एक जानकारी हमने आपको पहले भी कई दफा दिया है कि जीरादेई में जो इनका जन्म हुआ था, तो इस स्थल को महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया है। इस तरह के कथन वाले चीजें भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो विकल्प में आप यहाँ पर देख रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर, एक्चुअली जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें के अभी हाल ही में भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखें। अब एक जानकारी मैं आपको अतिरिक्त दूंगा, जो यहाँ पर हमने समाधि स्थल के बारे में लिखा है कि महाप्रयाण घाट जो है समाधि स्थल का नाम, तो ऐसे में जो भारत में महापुरुष हुए उनके समाधि स्थल को लेकर लेकर हमने देखा कि कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। जैसे कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को चैत्य भूमि, राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को विजय घाट, जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को शांति वन, गुलजारीलाल नंदा की समाधि स्थल को नारायण घाट, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट, और उसके बाद इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को शक्ति घाट, और साथ ही साथ अभी हमने आपको बताया राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहा जाता है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, महाप्रयाण घाट। चलिए, ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। एक्चुअली दूसरा प्रश्न महात्मा गांधी से ही संबंधित है। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें यहाँ से आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न है कि हाल ही में 30 जनवरी 2024 को महात्मा गांधी जी की या फिर गांधी जी की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि गांधी जी से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। हमें असत्य कथन की पहचान करना है। एक तो प्रश्न में ही एक पॉइंट छुपा हुआ जो कि आप ध्यान रखेंगे कि 30 जनवरी को, जो अभी हाल ही में 30 जनवरी गुजरा है, तो 76वीं पुण्यतिथि इनकी मनाई गई। एक्चुअली में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या की थी। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में 30 जनवरी को इनकी 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई है महात्मा गांधी की। तो जो विकल्प दिए गए हैं उसके आधार पर हमें चयन करना है कि निम्न में से कौन सा कथन इसमें से असत्य है। देखिए, असत्य हमें पहचान करना है तो सारे विकल्पों को हमें एक एक करके पढ़ना है। जैसे इसमें पहला पॉइंट है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को या फिर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। दूसरा पॉइंट, दूसरा कथन है 1917 का चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह था, तो ये भी कथन हमारा सत्य है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चंपारण आने का न्योता उन्हें जयप्रकाश नारायण ने दिया था। एक्चुअली ये कथन असत्य है और हमें असत्य की ही पहचान करना था, तो ये वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक और पॉइंट है, उसे भी देख लेते हैं कि रसोईया बतख मियाँ को गांधी जी ने जहर पीने से बचाया था, यही वाला पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिए। हालांकि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर सी। इन चारों विकल्पों में से केवल यही विकल्प असत्य है, क्योंकि चंपारण जो आने का न्योता महात्मा गांधी को दिया गया था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, आप सभी को मालूम है, इसी लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण की दुर्दशा बताई थी। और यहां जो नील किसान को अंग्रेजों द्वारा, मतलब उस पर जो जुल्म ढाया जा रहा था, जबरदस्ती नील की खेती करवाया जा रहा था, जो तीन गठिया प्रथा यहां पर प्रचलित थी, उसकी दुर्दशा बताते हुए महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ल ने दिया था। तो ये चीजें यहाँ पर इसका रियल स्टोरी है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। फिलहाल ध्यान रखिए कि विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट है।
देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था। विकल्प नंबर बी का यहाँ पर खंडन हुआ है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि यह एक किसान विद्रोह था, यह भी आपको ध्यान रखना, जिसे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। साथ ही अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलनों का जो सही क्रम है या फिर जो काल क्रम है वो यहाँ पर दर्शाया गया है, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहला जो सत्याग्रह था महात्मा गांधी का वो था चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मील आंदोलन, फिर खेड़ा, और उसके बाद असहयोग आदि और कई भी मतलब है जो कि इसमें आप याद रख सकते हैं। तो ये क्रम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में हम बात करें महात्मा गांधी की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है ये गांधी मैदान पटना में है, ये आपको ध्यान रखना, जो कि कांसे से निर्मित है, जो कि बिस्कोमान भवन है उसी के आगे गांधी मैदान में ये प्रतिमा अवस्थित है। अगला पॉइंट की हम बात करें तो हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई गई। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई गई। और पुण्यतिथि की बात करें तो अभी हाल ही में 30 जनवरी 2024 को 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। रही बात यहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा की, तो ऐसे में एक जानकारी हमने आपको दिया था कि पाकिस्तान में महात्मा गांधी की दो प्रतिमा स्थापित है। आपको मालूम होगा एक बार इसी सीरीज में हमने इसकी चर्चा की थी और हमने विस्तार पूर्वक आपको बताया था। अब यहाँ पे देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो महात्मा गांधी चंपारण के दौरे पर थे वो रियल तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, रियल तस्वीर आप देख रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जब बिहार दौरे पर महात्मा गांधी थे ये वही तस्वीर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसे स्किप करते हुए हम आगे चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि गुजरात में आयोजित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल यानी कि 12वीं फेल को, अर्थात विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। हाल ही के दिनों में ये इस फिल्म ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, बहुत ज्यादा खबरों में रहा था, और रिसेंटली अभी 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में जो गुजरात में आयोजित हुआ यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस फिल्म पुरस्कार का जो आयोजन था ये 27 से 28 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में किया गया। विजेताओं की सूची की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला ये रणबीर कपूर को उनकी जो अभी रिसेंटली आई फिल्म थी एनिमल उसके लिए ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उन्हें दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला आलिया भट्ट को, इस फिल्म का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अगर हम बात करें इसमें एक कंडीशन है, ये तो रही बात यहाँ पे जो लीड कैरेक्टर उसकी, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक यानी कि सपोर्टिंग रोल, तो इसमें विकी कौशल को उनकी फिल्म डंकी के लिए बेस्ट अभिनेता चुना गया। और इसी में सपोर्टिंग रोल में ही अगर हम अभिनेत्री की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है शबाना आजमी को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। तो ये दोनों कैटेगरी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले कुछ पॉइंट में बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, तो 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार मिला विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए, यानी कि इसके जो निदेशक थे इस फिल्म के 12th फेल मूवी के ये विधु विनोद चोपड़ा इनका नाम है। और रही बात सर्वश्रेष्ठ पटकथा यानी कि सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट, बेस्ट स्क्रिप्ट का जो पुरस्कार मिला इसी फिल्म को यानी कि 12वीं फिल्म को ही मिला है, ये यहां से आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ और भी पुरस्कार है जैसे कि बेस्ट प्लेबैक सिंगर पुरुष कैटेगरी में ये अवार्ड मिला भूपिंदर बब्बल जो कि अर्जन वैली एनिमल मूवी की जो सॉन्ग है उसके लिए। और उसके बाद इसी कैटेगरी में अगर महिला वर्ग की बात करें तो शिल्पा राव बेशरम रंग जो कि पठान मूवी का सॉन्ग है उसके लिए ये सम्मानित किया गया। एक और है जो कि आपको ध्यान रखना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला ये डेविड धवन को दिया गया इस 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में। तो ये कंप्लीट सूची है जो कि आपको ध्यान रखना है, हालांकि वो तमाम चीजें यहाँ पर इस स्लाइड में भी हमने आपको डाल दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से प्रश्न किसी भी रूप में कोई भी पॉइंट से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल इसे स्किप करते हुए हम आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया इसे शॉर्ट में कहा जाता है सीमी, इस पर कितने वर्ष का प्रतिबंध बढ़ाया। हालांकि पहले से ये प्रतिबंधित है लेकिन इस पर लगे प्रतिबंध को फिर से 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि 5 वर्ष इसमें इजाफा किया गया है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में
29 जनवरी 2024 को स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम अर्थात यूपीए जो यूएपीए 1967 की धारा 3(1) के तहत 5 साल की अवधि के लिए गैर कानूनी संघ घोषित किया है। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने 2019 में 5 वर्ष के लिए इसे प्रतिबंधित किया था और इससे पूर्व भी कई बार इसे बैन किया जा चुका है। दरअसल 2001 में जब पहली बार इसे बैन किया गया था तो उसके पीछे जो इसमें बातें कही गई थी सरकार के द्वारा कि यह आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है और इसी चीज को हवाला देते हुए मतलब इसे प्रतिबंधित पहली बार 2001 में किया गया था और उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि गैर कानूनी संघ इसे घोषित किया गया है और इस पर आरोप जो लगाया गया उसी के आधार पर इसे पुनः से बैन किया गया है। दरअसल सरकार का कहना है कि यह संगठन देश में इस्लामिक जिहाद फैलाने और साथ ही साथ आतंकवाद बढ़ाने आदि कार्यों में इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त है तो जिस वजह से पुनः इसे प्रतिबंधित किया गया है और इसी वजह से ये अभी खबरों में है, ध्यान रखेंगे। रही बात इस संगठन की स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सिमी की तो इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें इसकी स्थापना की बात करें तो 25 अप्रैल 1977 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहां से इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिए। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि किस महिला क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है जिससे ये खबरों का विषय है। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है यह है दीप्ति शर्मा जो कि आगरा की रहने वाली है। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को हाल ही में यूपी पुलिस में डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें डीएसपी पद के साथ 3 करोड़ रुपए के चेक से सम्मानित किया है। ये कुछ उपलब्धियां हैं इनके नाम जो कि आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर हम बात करें भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा की तो कई सारे पॉइंट यहां पर आपको याद रखने हैं, यहां से एग्जाम में प्रश्न अराइज होंगे। देखिए इसमें हमने एशियन गेम्स 2023 की चर्चा किया है। एशियन गेम्स 2023 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रनों से हराकर स्वर्ण पदक जीता था और दीप्ति शर्मा भी इस टीम का हिस्सा थे। तो कुल मिलाकर बात यहां पर यह है कि 19वां एशियन गेम्स जो कि चाइना के ह्वांगजू में आयोजित हुआ था इसको लेकर जानकारी तो हमने आपको दिया ही था, लेकिन इसी में अगर बात करें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तो श्रीलंका को 19 रन से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था भारतीय महिला टीम ने। एक और पॉइंट है कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित हुआ था और पहली बार इसमें क्रिकेट शामिल किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 रन से हार गई थी और इस कड़े मुकाबले में जो 9 रन से शिकस्त मिला भारत को भारतीय महिला टीम को तो रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल से सम्मान करना पड़ा भारतीय महिला टीम को। एक चीज यहां पर ये मतलब अच्छा हो जाता कि पहली बार क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया और इतिहास रचते हुए भारत इसमें अगर स्वर्ण पदक जीत जाता तो बड़ा ही मजा आ जाता, लेकिन महज 9 रन के अंतर से हार गई। ठीक है तो फिलहाल ये ध्यान रखिए तो इस टीम का भी हिस्सा थे दीप्ति शर्मा। अब यहाँ पे देखिए अगर बात हो रही है दीप्ति शर्मा की तो ये वाला पॉइंट भी आपको जानना अति आवश्यक है। अभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की जो घोषणा हुई जनवरी 2024 में दिसंबर 2023 के लिए तो दिसंबर 2023 के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं इसमें आप ध्यान रखेंगे पुरुष कैटेगरी में पैट कमिंस को चुना गया जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और वहीं पे महिला कैटेगरी में भारत की दीप्ति शर्मा को चुना गया तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और जानकारी यहाँ पर है कि एशिया कप 2022 टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दीप्ति शर्मा ने अपने नाम किया था तो ये सारी बातें फिलहाल आपको ध्यान रखना है। अब कुछ अतिरिक्त जानकारी हम आपको देंगे जैसे कि यहाँ पर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें वो तमाम जानकारी हम आपको एक झलक पुनः से दिखा देते हैं। हालांकि ये जानकारी आपको दिया हुआ है लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक का ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का मतलब जो अवार्ड का जो सूची है आप देख सकते हैं पुरुष और महिला वर्ग दोनों की हमने यहाँ पर बात की है। ठीक है इस सूची में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि 2023 में भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल यहां पर आप जनवरी महीने में देख रहे हैं और सितंबर महीने में देख रहे हैं तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना। ये कंप्लीट सूची है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है। ठीक है ये कंप्लीट सूची है और फरवरी महीने में जनवरी वाला घोषणा होगा तो वो भी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इतनी जानकारी यहां से ध्यान रखिए। देखिए जो कॉमनवेल्थ गेम्स की हम बात कर रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित हुआ था 2022 में दिसंबर में एक्चुअली में इसमें अगर हम बात करें तो भारत चौथे स्थान पर आता क्रमशः ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और कनाडा के बाद तो अपना भारत 22 स्वर्ण और उसके बाद 16 रजत और साथ साथ 23 कांस्य
कुल मिला के 61 पदक अपने नाम किया था और पदक तालिका में कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 के इस संस्करण में भारत चौथे स्थान पर रहा था और भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था, हमने आपको बताया था इसका शुभंकर था पैरी द बुल। आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर देख सकते हैं, ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल था जिसका शुभंकर था पैरी द बुल। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे खेल हैं जिसका शुभंकर यहाँ पे हमने दर्शाया है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट है 37वां राष्ट्रीय खेल, जो कि अभी हाल ही में इसका संस्करण जो था ये मतलब गोवा में आयोजित हुआ, ये 37वां संस्करण था और इसको लेकर सारी जानकारी बिहार के संदर्भ में भी हमने आपको दिया है, आपको मालूम होगा। अच्छा, जो इसका शुभंकर है मोगा, मोगा को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें ध्यान रखिए, फिलहाल इसे स्किप करते हुए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि हाल ही में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। ये अभी बहुत ज्यादा खबरों में है, इसका राइट आंसर होगा तन्मय अग्रवाल, जो कि हैदराबाद टीम की तरफ से खेल रहे थे। सारी जानकारी अब यहाँ पर हम आपको देंगे, फिलहाल डी नंबर जो विकल्प है इसका ये करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हैदराबाद की बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट यानी कि रणजी ट्रॉफी में, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट है एक कैटेगरी है, तो इसमें सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। आइए अब यहाँ पर इस चीज को हम विस्तार से समझते हैं। जैसे कि अगला पॉइंट है कि उन्होंने क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज 13 शतक 147 गेंद में पूरा किया, यानी कि महज 147 गेंदों में 3 रन का आंकड़ा इन्होंने पूरा किया। कुछ पॉइंट और भी है कि इसके साथ ही तन्मय अग्रवाल ने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ ब्रेबोर्न टेस्ट के दूसरे दिन वीरेंद्र सहवाग के 284 रनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया और इस प्रकार प्रथम श्रेणी क्रिकेट के एक ही दिन में 300 रन या फिर इससे अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। ये यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना है जो कि आपको ध्यान रखना है, वीरेंद्र सहवाग का जो 284 रनों का आंकड़ा था उन्होंने तोड़ दिया। आगे कुछ और पॉइंट है कि तन्मय अग्रवाल ने 181 गेंद पर 34 चौके और 26 छक्के की मदद से 202.21 के स्ट्राइक रेट के साथ 366 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया। यहाँ पर हम व्यक्तिगत स्कोर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और 300 रन का जो आंकड़ा पूरा किया था उन्होंने महज 147 गेंदों पर ही पूरा किया था। अब यहाँ पर देखिए एक जानकारी और भी है, हालांकि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में जो सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है ये ब्रायन लारा का, जो कि वेस्टइंडीज टीम के एक खिलाड़ी थे, और आपको ध्यान रखना नाबाद 501 रन का जो विशाल स्कोर है ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है, इसे अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है, ये मतलब कर सकते हैं सर्वोच्च रिकॉर्ड है मतलब क्रिकेट के इतिहास में अगर व्यक्तिगत स्कोर की बात करें, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस प्रश्न में इतनी सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में, अच्छा यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि जो क्रिकेट इतिहास की हम बात कर रहे हैं, क्रिकेट को लेकर हमने कई चीज़ें और भी रिसेंटली बताया था। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रिसेंटली अगर हम बात करें तो हरमनप्रीत कौर को चुना गया, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और मुंबई इंडियंस की भी कप्तान है। 2023 में जो WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला संस्करण आयोजित हुआ था तो उस खिताब को उन्होंने अपने नाम किया है, मतलब मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किया है हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में। तो ये बातें जो इंपॉर्टेंट है वो आप यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए यहां पर हम आगे चलते हैं। ये 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिग बॉस के 17वें सीजन के विजेता बने हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मुनव्वर फारूकी, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि चर्चित रियलिटी शो जो कि बिग बॉस के 17वें सीजन के विजेता की बात करें तो हाल ही में इसके विजेता बने हैं मुनव्वर फारूकी और अभिषेक कुमार शो के रनर अप बने, यानी कि दूसरे स्थान पर रहे ये अभिषेक कुमार। अगले कुछ पॉइंट में बात करें तो सलमान खान ने उन्हें 50 लाख की प्राइज बनी। बिग बॉस 17 की जो थीम थी दिल दिमाग और दम पर बेस्ट एक शानदार ट्रॉफी और साथ ही एक चमचमाती हुंडई क्रेटा कार से उन्हें सम्मानित किया गया। जो होस्ट हैं सलमान खान इस शो के वर्तमान में एक्चुअली में, तो उनके द्वारा इन्हें यह सम्मान दिया गया। अगला पॉइंट है बिग बॉस की शुरुआत एक्चुअली हुई थी 2006 में और इसके पहले सीजन के होस्ट थे बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी, ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय जो कि बिग बॉस सीजन 1 के विजेता थे, आपको ये ध्यान रखना है। और अभी बिग बॉस सीजन 17 के जो विजेता बने हैं मुनव्वर फारूकी बने हैं, इससे पिछला विजेता जो था बिग बॉस 16 का MC स्टैन, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है OTT जो सीजन है बिग बॉस का सीजन 2, इसका विजेता एल्विश यादव। हालांकि मैं बिग बॉस का कोई भी एपिसोड मुश्किल से मतलब मैंने देखा ही नहीं, 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकेंड भी नहीं देखा है,
ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिए बिल्कुल नया था, तो हमने चीजों को एकत्रित किया है यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। राहुल रॉय को आप लोग जानते होंगे, ये एक बॉलीवुड एक्टर है। आप लोग के इस नसीब फिल्म में आप यहाँ पर ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं यह है राहुल रॉय। अच्छा, बिग बॉस के बारे में मैंने बहुत लोगों से सुना है, जो रिसेंटली जियो सिनेमा पर बिग बॉस आ रहा था, कि वो बहुत ज्यादा लोग एकदम से लाइव देखते हैं। तो क्या आप भी बिग बॉस देखते हैं? आप बताइएगा थोड़ा कमेंट करके। मुझे लगता है कि ये समय की एक प्रकार से बर्बादी है, ठीक है, तो वो चीज आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं अभी तक कभी भी मतलब बिग बॉस नहीं देखा हूँ। हाँ, कभी कभार ऐड वगैरह में कुछ आ गया बिग बॉस से संबंधित, तो वो अलग बात है। बिग बॉस का कोई भी सीजन, कोई भी एपिसोड मैंने बिल्कुल नहीं देखा है। चलिए, अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और आपको बता दूं कि रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन है हाल ही में कोहिमा नागालैंड के, एक्चुअली नागालैंड के जो कोहिमा जो जिला या फिर कह सकते हैं जो राजधानी है, यहीं पर रुसोमा गाँव में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। और ये इसका चौथा संस्करण था। ये संस्करण भी आपको ध्यान रखना है। और यह फेस्टिवल या फिर यह महोत्सव जैविक उत्पादों और साथ ही साथ ग्रामीण उद्यमिता पर प्रकाश डाला गया इस मतलब संस्करण में। अब यहां पर अगले पॉइंट की बात करें, नागालैंड की एक्चुअली बात हुई है, तो आपको हमने बताया था कि रिसेंटली नागालैंड में 24वां हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है। और हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर तक, नागा हेरिटेज गांव की सामा में, जो कि कोहिमा में एक गांव है, यहीं पर 1 से 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष ये सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड से जुड़े हुए कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट हैं कि नागालैंड हाल ही में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत संघ का 16वां राज्य बना था। और अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो इसका 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है नागालैंड का। लेकिन वहीं पे हम बात करें दूसरी ओर अपने बिहार की, तो अभी हाल ही में बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो ये प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है 29 जनवरी को। विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यहां पर आप लोग सुधार कर लेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आपको इसके बारे में बता दूं कि प्रत्येक वर्ष भारत में देखिए यहां पर 28 लिखा गया, एक्चुअली आप लोग सुधार करेंगे, 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत की अगर हम बात करें तो आपको बता दूं, क्योंकि इसी दिन 29 जनवरी 1780 को पहला साप्ताहिक भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था, जिसे कलकत्ता जनरल एडवर्टिफायर यानी कलकत्ता जनरल विज्ञापन दाता के भी नाम से जाना जाता था। तो ये भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसका नाम था बंगाल गजट। और कुछ पॉइंट और भी है बंगाल गजट के बारे में, आइए इसे विस्तार से देखते हैं कि बंगाल गजट भारत से प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। और हमने एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया साप्ताहिक, तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इसके प्रकाशक थे यानी कि जो इसके पब्लिशर थे वो थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन कुछ और पॉइंट है जैसे कि बिहार बंधु, जो कि इस नाम से बिहार का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र वर्ष 1872 में बिहार शरीफ से निकाला गया था। और इसके संचालक थे मदन मोहन भट्ट तथा संपादक हसन अली थे। और इसका जो मुद्रण होता था वो श्री पूरन प्रकाश प्रेस कोलकाता से होता था। तो बिहार बंधु बिहार की पहली समाचार पत्र थी, जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो 1872 में बिहार शरीफ से निकाला गया था। अब यहाँ पे बंगाल गजट की हम बात कर रहे थे, बंगाल गजट को आप यहाँ पर जो वो कह सकते हैं पेपर का कटिंग है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमने बताया था बंगाल गजट को ही कलकत्ता जनरल एडवर्टिफायर भी कहा जाता था, यहाँ पर दर्शाया गया है। जो इसके प्रकाशक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। इस बारे में कुछ पॉइंट और भी लिखा गया है यहाँ पर, वो मैं आपको बता दूं कि 29 जनवरी 1779 को जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कोलकाता से इसके शुरुआत किया था। एक चीज को लेकर काफी कन्फ्यूजन है, कहीं पर आपको 1779 दिखेगा और कहीं पर 1780 दिखेगा, तो इस चीज़ को लेकर आप लोग तैयार रहिएगा, विकल्पों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिएगा, या फिर आपको मालूम है कि इसका सही आंसर क्या है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हर शनिवार को यह पब्लिश होता था और उस समय इसकी जो कीमत थी 1 रुपये हुआ करती थी। 3 साल बाद 30 मार्च 1782 को ब्रिटिश सरकार ने इसे बैन कर दिया था। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर इनसे संबंधित है जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन्हें बीसीसीआई के द्वारा हाल ही में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर, तो पूर्व क्रिकेटर हैं ये दोनों को, अर्थात इसका जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर डी। इन दोनों पूर्व क्रिकेटर को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। देखिए उसी चीज़ की जानकारी लिखी गई है कि बीसीसीआई ने हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को खेल में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। हालांकि बीसीसीआई की बात हुई तो कई बार हम आपको जानकारी दे चुके हैं, अभी हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी वैश्विक बैंक का प्रमुख बनने वाले किस पहले भारतीय या फिर पहले एशियाई का हाल ही में निधन हुआ है? तो इनका नाम है राणा तलवार, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि किसी अंतरराष्ट्रीय बैंक या फिर उस बैंक की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय या फिर यू कहें पहले एशियाई जिनका नाम राणा तलवार है, हाल ही में 27 जनवरी 2024 को उनका निधन हुआ। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 27 जनवरी 2024 का उनका निधन हुआ और वे 76 वर्ष के थे। आगे कुछ पॉइंट में हमने लिखा कि वे 1997 से 2002 तक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सीईओ पद पर कार्यरत थे। हालांकि और भी जगह पर उन्होंने कार्य किया था, उन्होंने अपने कैरियर की जो शुरुआत की थी वो सिटी बैंक से किया था, तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया। इससे पहले सिटी कॉर्प और सिटी बैंक में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पद पर और साथ ही साथ पॉलिसी कमेटी के मेंबर भी थे। तो ये इनके जीवन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ये कार्य किए थे। हालांकि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ये सिटी बैंक से ही किया था। उनका जन्म 1948 में हुआ था और रिसेंटली अभी 27 जनवरी को 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। यहाँ पर जो विकल्प आप देख रहे हैं बिंदेश्वर पाठक जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, रिसेंटली इनका भी निधन हुआ और भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित करने की घोषणा की है पद्म पुरस्कार से। ये जानकारी हमने आपको दिया है। आमिर सुबहानी जो कि वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव हैं, ये भी बातें हमने आपको बताया है। चलिए चलते हैं 12वें प्रश्न पे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल यानी कि रोड सेफ्टी फोर्स की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा किया गया, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले पुनः ये ध्यान रखिए इस कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला जो जानकारी हमने आपको दिया था, ठीक है, जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें तो 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।